अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं बहुत दिनों से वीडियो बनाना चाह रही थी, लेकिन जब भी मैं बाल स्ट्रेट करने जाती थी मेरे पास टाइम नहीं होता था। आज मेरे पास चीज़ें भी मौजूद है, मेरे पास थोड़ा टाइम भी है, तो मैंने सोचा कि आज मैं रिकॉर्ड कर लूँ। तो पहली बात मैं ये कहूँगी कि बाल स्ट्रेट करना कर्ली बालों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप मेरी तरह हैं और आप फिर भी बाज नहीं आते तो ये वीडियो उनके लिए है। दूसरे, ये सारे लोग जो मुझसे बात करते हैं पर्सनल पोर्टल में और कहते हैं कि हमारे बाल जो हैं वो हम स्ट्रेट करते हैं तभी फूल जाते हैं, फट जाते हैं, ये क्यों हो रहा है, तो उनके लिए ये वीडियो है, क्योंकि मैं आज बताना चाह रही हूँ कि मैंने इतने सालों में क्या सीखा। पहली बात ये कि मैं कभी भी अपने गीले बालों को स्ट्रेट नहीं करती। दूसरी बात ये कि मैं उस दिन भी नहीं करती, तो मैं हमेशा नेक्स्ट डे जो है, मतलब अगर मुझे कहीं जाना होता है तो मैं एक दिन पहले वॉश करती हूँ बाल और दूसरे दिन स्ट्रेट करती हूँ, वरना मेरे बालों में वम्प फट जाता है। दूसरी बात ये कि ब्लो ड्राई के साथ भी मैं ऐसे ही करती हूँ कि मैं एक दिन पहले कर लेती हूँ, लेकिन उसको रिफ्रेश जो है मैं सेकेंड डे करती हूँ। सेकेंडली, मैं आजकल केमिकल्स को अवॉइड कर रही हूँ, लेकिन अगर आप अपने बालों में कोई भी हीट लगाने जा रहे होते हैं तो आपको वो प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए जिससे आपके बाल डैमेज ना हो। सो लेट्स गेट टू दिस। पहली बात ये कि मैं पिछले 2-3 सालों से ये रेमिंगटन का, एक्चुअली रेमिंगटन तो मैं बचपन से यूज़ कर रही हूँ, रेमिंगटन का स्ट्रेटनर यूज़ कर रही हूँ, वेट टू स्ट्रेट, लेकिन मैं वेट बालों को नहीं करती। लेकिन मेरे पास आज 2 अलग अलग स्ट्रेटनर्स हैं जिनको मैं ट्राई करने वाली हूँ आप लोग के सामने, और मैं कोशिश करूँगी कि जो मैं आधे घंटे का काम है वो मैं 10-15 मिनट में कर लूँ। सो इसका रिजल्ट मुझे हमेशा अच्छा लगता है। आई हैव बीन सैटिस्फाइड विद दिस प्रोडक्ट सिंस एवर, एंड मैं कोई भी अपनी पुरानी चीज़ जिसके साथ मैं कंफर्टेबल होती हूँ मैं नहीं फेंकती जब तक वो खुद ही ना टूट जाए, और कभी कभार जब वो टूट जाती है तो मैं वैसी ही दूसरी प्रोडक्ट ले आती हूँ। बट दिस इज़ माई फेवरेट प्रोडक्ट। मैं इसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, तो आप लोग इसको विजिट कर सकते हैं। दूसरा जो मेरे पास स्ट्रेटनर है, अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया, मैं आप लोग के सामने करने वाली हूँ। आई थिंक इट्स कॉल्ड ड्यूवॉल एंड इट इज़ देयर प्रोफेशनल स्टाइलिंग आयरन। बहुत सीख है, आई डोंट थिंक ये सिरामिक है। सेकेंडली, इसके टेम्परेचर्स जो हैं 270 फ़ारेनहाइट से 450 जाते हैं। मैं कभी भी एडवाइस नहीं करूँगी कि आप लोग 450 के पे अपने बाल स्ट्रेट करें। और ये जो है ग्लव्स के साथ आया है, इसका भी लिंक मैं नीचे लिखूँगी। और जो दूसरा स्ट्रेटनर है वो है कार्मिन का, ये मेड इन चाइना था। इसके साथ इसका बैग भी आया है और इसका टेम्परेचर अच्छा, ये भी 460 तक जाता है, तो खैर मैं नहीं करूँगी। सो आधे बालों को मैं इस वाले के साथ करूँगी और आधे बालों को मैं कार्मिन के साथ करूँगी। जो कार्मिन है वो एक मैं दिखा देती हूँ, वो इस बैग के साथ आया। सो उन्होंने मुझे कोई पैसे नहीं दिए कि मैं उनकी तारीफें करूँ या कुछ, तो जो सच बात होगी वो मैं बोलूँगी। एंड लेट्स स्टार्ट द पार्टीशन। ऐसे जब मैं बाल कर्ल करने जा रही होती हूँ तो मैं जो हूँ बहुत अच्छे से पार्टीशन करती हूँ, लेकिन जब मैं बाल स्ट्रेट करने जा रही होती हूँ तो इट रियली डजंट मैटर। बस मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थिन थिन सेक्शंस लूँ और एक जो साइड है उसको मैं टाई रखती हूँ ताकि बाल मिक्स नहीं हो। सो आई एम गोना टर्न दिस ऑन एंड आई विल वेट। ये भी एक मुझे बीमारी है कि मैं हाथों से चेक करती रहती हूँ। So I want this to be at 270 and it is at 270. बहुत जल्दी ये तेज हो गया है। एक और चीज कि अगर आपको थोड़ी सी हेल्प चाहिए होती है तो आप लाइक किसी भी कंघी या किसी के साथ अभी मेरा मुंह जलता, कभी भी इसको ज्यादा टाइम के लिए अपने बालों पर प्रेस नहीं करना चाहिए। एक दो बार में ही डन हो जाता है। मेरे जो बाल हैं मैंने कल वॉश किए हैं, तो ये इन बालों में भी कोई प्रोडक्ट्स नहीं लगे हुए, लेकिन नहाने के बाद मैंने लीव इन कंडीशनर ज़रूर यूज़ किया था। सो आई एम गोना डू हाफ माई हेयर विद दिस एंड देन हाफ विद द अदर वन। आप लोग देख सकते हैं कि रूट्स करने का भी टाइम आ गया है। मैंने हाफ से
से अभी कम किया है और मैंने उसको छोड़ दिया. रिजल्ट बहुत अच्छा है, बाल शाइनी है, सॉफ्ट है. दूसरा, क्योंकि मैं ये नीचे से टर्न करती हूँ तो ये भी करने में मेरे लिए आसानी है कि मैं इसको नीचे से अच्छे से टर्न करती जाऊँ. बट मसला ये है कि इसमें बार बार टूट रहे हैं तो मैं अब और नहीं कर सकती. अगर आपको अपने स्ट्रेटनर के साथ खड़ 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 आवाज़ आती है, इसका मतलब आपके बाल टूट रहे हैं. तो मैंने इसको यूज़ करना छोड़ दिया. रूट्स पे बहुत आसानी से गया और यू नो लाइक बहुत अच्छा रिजल्ट है, लेकिन क्योंकि मेरे बाल टूट रहे हैं तो अब मैंने इसको छोड़ दिया है. मेरे लिए मैं इसको आई थिंक 6 out of 10 दूंगी. और ये वाला था ड्यूअल वाला. बीच में मैंने इसका टेम्परेचर 320 में बढ़ा दिया था बिकॉज थोड़ा सा स्लो हो रहा था, तो मैं इसको जल्दी जल्दी कर रही थी. बट क्योंकि ये बाल तोड़ रहा है तो ये इतना अच्छा नहीं है. अब मैं ट्राई कर रही हूँ कार्मिन. ये जो है डाइल के साथ है, तो इसको मैं करती हूँ 300 पे. सो ये भी बहुत जल्दी गर्म होने लग गया है. होपफुली मेरे बाल नहीं तोड़ेगा. मैं इसको एक सेकंड रिफ्रेश भी कर लेती हूँ इसी के साथ. ओह दिस इज सो मच बेटर. उसमें हर बार मैं कर रही थी ना, जब जब तब तब बाल टूट रहे थे. तो ये वही बाल होते हैं जो फ्रिजी भी हो जाते हैं और फिर अगर आप कोई हेयर स्टाइलिंग करें तो ढीठ होके खड़े भी रहते हैं. So yes, let's start with this. अभी इतना गर्म हुआ नहीं है, वो वाला फौरन गरम हो गया था. बट इट फेल्ड इन माय आइज. आप लोगों को ऐसे ग्लव्स यूज करने चाहिए. आई एम सॉरी मैं नहीं कर रही, लेकिन मुझे बहुत आदत हो गई है. यस दिस इज डेफिनेटली स्मूदर. थोड़ा सा स्लो हो रहा है ये हीट होने में, तो इतना फास्ट ये काम नहीं कर रहा. आई एम जस्ट गोना गिव 2 मिनट्स. आई थिंक 3-4 मिनट हो गए और ये जो स्ट्रेटनर है ये है अभी भी जो है इतना गर्म नहीं हुआ है. हालांकि ये 350 पे है कि मेरे बालों को ये कर सके. सो पीपल विथ हेयर लाइक माइन, दिस इज अ नो एज वेल. नाउ आई गेट टू शो यू माई स्ट्रेटनर. तो मेरा जो स्ट्रेटनर है वो 230 से ज़्यादा नहीं जाता, बट उससे ज़्यादा की आई थिंक ज़रूरत भी नहीं है. दूसरे वाले में मुझे पड़ रही थी बिकॉज वो बहुत स्लो था. सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ माय फेवरेट स्ट्रेटनर एंड रेमिंगटन इज आई फील द बेस्ट. सी कितनी जल्दी स्ट्रेट हो रहे बाल. हाँ ये बात भी है कि मेरा हाथ भी इस पर सेट हुआ है, लेकिन मैंने सेकंड वाले को इतनी बार किया वो फिर भी नहीं हो रहा था. एंड अल्हम्दुलिल्लाह जितने बाल हैं आई कैन नॉट अफोर्ड कि मैं एक उस पर कोई 50 बार जो है वो करूँ. सो तो अब आप लोग डिफरेंस देख सकते हैं के रेमिंगटन में और दूसरों में क्या फ़र्क है. एंड आई थिंक ये जो दोनों स्ट्रेटनर्स हैं ये मेरे आगे जो है फेल हैं कंपेयर टू माई ओल्ड स्ट्रेटनर. एंड ओल्ड इज ओल्ड. मैं आप लोगों से बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही, लेकिन मैंने 15 मिनट में अपने सारे बाल जो हैं स्ट्रेटनर के साथ स्ट्रेट कर दिए हैं एंड आई एम रियली हैप्पी विद द रिजल्ट. मेरे कोई बाल नहीं टूटे अपने स्ट्रेटनर के साथ नहीं टूटे, लेकिन बाकी वालों के साथ टूट रहे थे. मैं तीनों स्ट्रेटनर्स के जो लिंक हैं वो आप लोगों को नीचे दे दूंगी. अगर आपको फर्स्ट वाले का अच्छा लग रहा है रिजल्ट, क्योंकि वो अच्छा रिजल्ट था, आप लोग उसको डिसाइड कर सकते हैं अगर आपको लेना है नहीं, लेकिन बहुत स्लो आपको अपने बाल स्ट्रेट करने होंगे. दूसरे ये जो मेरे बाल स्ट्रेट हैं ये 2-3 दिन चल सकते हैं आराम से. मेरा कोई ऑयली स्कैल्प नहीं है तो मुझे कोई इशू इतना होगा नहीं.
दूसरा ये कि कभी कभी जो है मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं अपने बालों को नीचे से टर्न कर दूँ. सो उसके लिए भी ये करना होता है कि आपने ये सेक्शन जैसे लिया एंड आप उसको नीचे से घुमाते गए. सो वो टर्न होता रहेगा और ऐसा लगेगा कि ब्लो ड्राई इफेक्ट है. एंड इट लुक्स रियली नाइस एंड इट लुक्स लाइक यू नो इट्स व्हाट डू यू से नेचुरल. खैर so I hope you guys enjoyed the video. इतनी डिटेल्स नहीं है बाल स्ट्रेट करने के बारे में, आप लोग खुद रिजल्ट देख सकते हैं. सो या अगर आप लोग में से कोई भी मेरा वाला स्ट्रेटनर ऑर्डर करेगा मैं बहुत खुश होंगी. मुझे ज़रूर अपने रिजल्ट बताइएगा कि आप लोगों के स्ट्रेटनर के साथ कैसे आपके बाल होते हैं. हो सकता है कि आपका स्ट्रेटनर मेरे स्ट्रेटनर से ज़्यादा अच्छा हो, तो मैं आप लोग का ले लूँगी. ओके, बाय बाय, टिल नेक्स्ट टाइम.